नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि पुराना वाटर टैंक निकाल के नया वाटर टैंक कैसे फिक्स करके। अभी वहाँ फिक्स करने के बाद बाजू में जो नारियल का पेड़ होने की वजह से वो नारियल या फिर उसका जो डांपी है वो उसके ऊपर गिर के वो डैमेज होने का चांस है, तो वो उसको रोकने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक फैब्रिकेटेड शेड बनाने की ज़रूरत है। तो ये शेड हम कैसे बनाएं उसका एक डिटेल हम वीडियो देखेंगे। एक नारियल का पेड़ है, जो नारियल का पेड़ बराबर एग्जैक्टली वो टैंक के ऊपर है, वो इसलिए वो नारियल या फिर उसका डंपी टैंक के ऊपर गिर के टैंक डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी जगह उतना सूटेबल नहीं है, तो इसी जगह वो टैंक बैठाया है, तो उसका प्रोटेक्शन करना तो ज़रूरी हो गया। तो ये नारियल या फिर वो नारियल डंपी जो गिरता है उससे बचने के लिए एक फैब्रिकेशन शेड बना रहा है, और ये जो शेड है उसमें 50 mm डायके स्क्वायर पाइप्स, सी चैनल्स, उसके बाद में होल पास्ट, उसके बाद में 25x3 mm का एंगल्स, फिर और 1x1 mm का MS जाली इस्तेमाल किया गया है। इसका ये फैब्रिकेशन का डिटेल प्रोसेस आप इधर देख सकते हैं। सबसे पहले ये मटेरियल लाने के बाद में उसको रेड ऑक्साइड से पेंट करते हैं, उसके बाद में ब्लैक पेंट लगाते हैं। इधर आप देख सकते हैं इसमें ये फैब्रिकेशन वर्क पूरा मटेरियल लाके साइड पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल मेजरमेंट लेके उसका जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये पूरा तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चैनल को नीचे वो स्क्वायर प्लेट लगा रहा है, ये प्लेट वो दीवार में उसको होल्ड पार्ट से फिक्स करते हैं और एक तरफ सी चैनल से उसको सपोर्ट देते हैं, वो आगे हम देखेंगे। इसमें देखिए आप ये सी चैनल वर्टिकल खड़ा किया गया है, उसका बेस में नीचे कंक्रीट डाल के उसको फिक्स किया गया है। और ये जो जाली है ऊपर में डाला है उसको पहले रेड ऑक्साइड से पेंट किया है, उसके बाद में उसको ब्लैक पेंट से पेंट किया गया है। रेड ऑक्साइड का पेंटिंग आप देख सकते हैं। ये ऊपर में जो जाली बैठा रहा है और जाली में एग्जैक्ट टंकी के ऊपर में ऐसे कवर बैठा रहा है ताकि वो उसको ओपन कर सके, किसी भी टैंक का मेंटेनेंस करने के लिए आसान हो सके। ये आप देख सकते हैं कि इसको पूरा पाइप्स के सेक्शन को पूरा ब्लैक पेंट लगा रहे हैं, और ब्लैक पेंट लगाने के बाद में इसके ऊपर वो 1 inch by 1 inch स्क्वायर इंच का पूरा MS जाली लगा रहे हैं, और ये लगाने के बाद में पूरा वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करके उसको पूरा जोड़ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं वो ओपनिंग करने के, ओपनिंग जो है उसके लिए ये हिंजेस लगा करके उसको एक डोर टाइप बनाया गया है ताकि वो ओपन हो सके, वो टैंक का ओपनिंग के ऊपर एग्जैक्ट रहेगा, वहाँ से वो मेंटेनेंस कर सके। ये पूरा जाली वेल्डिंग करके इसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं। ये इतना हैवी सेक्शन लिया है, ये आप देख सकते हैं कि इसका डोर ओपन किया है, वो टैंक के ओपनिंग के ऊपर ही एग्जैक्टली आएगा, ये वहां से आप मेंटेन करने के लिए कोई भी आदमी अंदर उतर सकता है। और ये जाली इतना हैवी बनाया ताकि इसके ऊपर भी कोई चढ़ सके, आराम से चढ़ सके, तो उतना सेफ रहे। उसके ऊपर आराम से आदमी घूम सके। अभी ये आप देख सकते हैं इधर ये होल्ड फास्ट से एक चैनल बैठाया है, साइड में दीवार में बैठा रहे हैं, इधर का सपोर्ट दीवार में ले रहे हैं, उसको पूरा ड्रिलिंग करके उसके ऊपर फास्टनर डाल रहे हैं।
इसका वेसल में ये बैठाते समय इसका लाइन और उसका लेवल देखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वर्टिकल चैनल जो है सपोर्ट, उसका भी प्लम और उसका लाइन देखना ज़रूरी है, ये प्लम है कि नहीं वो चेक करना है। और उसको प्लम प्रॉपर में होने के बाद में ऊपर में वेल्डिंग करके फिक्स करना है। ये वो फास्टनर डाल के उसको फिक्स कर रहे हैं। अब फिक्स करने के बाद में ये जो सपोर्ट है, ये चैनल है, उसका वो लेवल चेक कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं वो लेवल ट्यूब से। ये दूसरा चैनल भी वैसे ही बैठा है। उसके बाद ये जाली लेके आ रहे हैं। ये जाली बैठाते समय भी ये प्रॉपरली बैठाना है और उसको हर जॉइंट पे वेल्डिंग से उसको जोड़ना है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो मेजरमेंट के हिसाब से ही बना हुआ है। तो ये जो ओपनिंग डोर दिया है वो एग्जैक्टली टैंक के ओपनिंग के ऊपर आता है। इधर आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए अब ये जाली बैठा है, उसको अभी सीधा एक लाइन और लेवल कर रहे हैं। और ये लाइन लेवल पक्का होने के बाद में उसका अलाइनमेंट चेक करने के बाद में उसको वेल्डिंग करके फिक्स करते हैं। ये देखिए उसका ये चैनल का वर्टिकलिटी चेक कर रहे हैं, प्लम चेक कर रहे हैं ताकि वेल्डिंग होने से पहले वो प्रॉपर रहे। एक बार प्लम प्रॉपर होने के बाद में उसको वेल्डिंग करके टाका करके फिक्स करते हैं। ये सब अभी जॉइंट्स वगैरह जोड़ रहे हैं वेल्डिंग करके उसको। ये देखिए डोर ओपन करके देख रहे हैं, वो बराबर टैंक के डोर के ऊपर है। और ये एडिशनल सपोर्ट ये साइड में दिया गया है, इसका वर्टिकलिटी प्लम्ब आप चेक कर रहे हैं। एक एडिशनल सपोर्ट है, इसका वुलन या प्लम्ब चेक कर रहे हैं। इसका पूरा ये एडिशनल सपोर्ट का भी वेल्डिंग करके इसको फिक्स कर रहे हैं। ये सपोर्ट देते समय नीचे में वो पूरा खीला मार करके उसको पट्टी लगा करके दोनों साइड से फिक्स किया गया है। इधर आप देख सकते हैं। और ये अंदर से वेल्डिंग करके इसको फिक्स कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डोर ओपन करके देख रहे हैं, बराबर वो टंकी के वो कवर के ऊपर ही है। देखिए आप देख सकते हैं इधर। और ये इतना हीवी और मजबूत स्ट्रक्चर है कि इसके ऊपर भी वो आदमी चढ़ के काम कर सकता है। ये देखिए आप, और ये एडिशनल सपोर्ट को वेल्डिंग करके फिक्स कर रहे हैं। ये इसको ब्लैक पेंट मार रहे हैं। ये जो एडिशनल सपोर्ट है उसको नीचे जो खेला मारा है उसको एक पट्टी लगा करके उसको वेल्डिंग करके फिक्स कर रहे हैं। इसके बाद ही साइड में आप देख सकते हैं उधर एक जो कंपाउंड वाले आपका बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल का जैसे चैनल है उसमें फेंसिंग का है। तो बाउंड्री फेंसिंग, वो फेंसिंग का चैनल है,
उसको भी एक एडिशनल सपोर्ट दिया गया है। एक कील लगा के उसको फिक्स कर रहे हैं। इसमें पाइपिंग क्रॉस होने की वजह से वहाँ गड्ढा किया गया नहीं है, इसलिए ये साइड से पाइप लगा करके कीला लगा के फिक्स कर रहे हैं। इस तरह से ये जाली दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये शेड इस तरह से दिख रहा है। ये पानी का टंकी है, उसका प्रोटेक्शन के लिए ये जाली लगाया गया है, ये शेड बनाया गया है। ये एडिशनल सपोर्ट जो साइड का कंपाउंड फेंसिंग है उसका एंगल के ऊपर ही ये एक पाइप लगाया है और उसको वेल्डिंग करके फिक्स किया गया है। इस साइड का एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है ये, और इस हिसाब से ये पूरा उसका टैंक का शेड जो है, शेड का काम पूरा किया गया है, ये फैब्रिकेशन का पूरा काम और इसका शेड का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि वाटर टैंक के डैमेज प्रोटेक्शन के लिए एक फैब्रिकेटिव शेड कैसे किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।